Good morning students, welcome to my new video of life process. In this video I will discuss about the topic transportation. In transportation we will discuss now double circulation, because in last video we have discussed about the structure of heart. तो सबसे पहले हमें समझना है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है. तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, इन ए कंप्लीट कार्डियक साइकिल ब्लड हैज टू मूव ट्वाइस थ्रू द हार्ट. मतलब एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में ब्लड को हार्ट से दो बार मूव करना पड़ता है. यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इन ए कंप्लीट कार्डियक साइकिल ब्लड हैज टू मूव ट्वाइस थ्रू द हार्ट, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. मतलब ब्लड को हार्ट के दो चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं. मैमल्स में, बर्ड्स में और ह्यूमन बींग, हम लोग भी मैमल्स में आते हैं. तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं. डबल सर्कुलेशन इंक्लूड टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन, लॉन्ग सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड शॉर्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन. अब हमें एक डायग्राम के थ्रू इसको समझना है. लेट्स सी डायग्राम. लेट्स सी डबल सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बींग. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फोर चैम्बर हार्ट दिख रहा है, और ये आपका आर ए मतलब राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. तो इसमें दो सर्कुलेशन इंक्लूड करते हैं, शॉर्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड लॉन्ग सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब जब हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस हार्ट में आता है, ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी वर्ड का मतलब लंग्स होता है. और सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब हो गया जब बॉडी पार्ट से या बॉडी टिश्यू से ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से फिर वापस बॉडी टिश्यू में जाता है. तो ये लंबा सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसको लॉन्ग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में. तो देखिए, तो सबसे पहले बॉडी टिश्यू से ब्लड कलेक्ट होगा. कौन सी वेसल है? वेना कैवा. वेना कैवा रिसीव करती है. अब हार्ट स्ट्रक्चर पड़ा आपने, सुपीरियर वेना कैवा है, इन्फीरियर वेना कैवा है, लेकिन यहाँ पर उस तरह लेवलिंग नहीं है. यहाँ पे सिंपली आपको वेना कैवा लिख दिया गया है. और वेना कैवा कहाँ खुलती है? राइट ऑर्किल में खुल रही है. तो बॉडी पार्ट से या बॉडी टिश्यू से इम्प्योर ब्लड का कलेक्शन वेना कैवा करती है और राइट ऑर्किल में पोर करती है या ड्रेन करती है. राइट ऑर्किल से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, आपने हार्ट स्ट्रक्चर में देखा ही है. राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पंप होता है, लंग्स में जाता है. लंग्स में कौन ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है, या पल्मोनरी एओर्टा बोल सकते हो. लंग्स में उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन जो आप हवा से लेते हो वो उस ब्लड में मिलती है और CO2 बाहर निकल जाती है. अब ये जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑर्किल में आ रहा है, और लेफ्ट ऑर्किल से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करती है. इसमें बॉडी टिश्यू में, तो बॉडी पार्ट से हार्ट को ब्लड आना और हार्ट से वापस प्योर ब्लड जो है बॉडी टिश्यू में फिर वापस आना, तो ये हो गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन. और हार्ट से लंग्स को जाना प्यूरिफिकेशन के लिए और लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड वापस हार्ट में आना, ये हो गया शॉर्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्योंकि हार्ट और लंग्स पास होते हैं तो उसकी दूरी कम होती है, इसलिए उसको शॉर्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. और बॉडी पार्ट की जब बात करेंगे तो चूंकि आपका हार्ट की लोकेशन आपको पता है और बॉडी टिश्यू मतलब पूरे बॉडी की बात हो रही है, तो उसकी जो सर्कुलेशन होता है लंबा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं शॉर्ट और लॉन्ग सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब दो बार कैसे मूव कर रहा है? आप देख रहे हो कि बॉडी टिश्यू से ब्लड आया हार्ट में, हार्ट से फिर वही ब्लड गया लंग्स में, प्यूरिफाइड हुआ, फिर वापस हार्ट में आया और हार्ट से अब वो पंप हुआ. तो जो एक बार बॉडी टिश्यू से ब्लड आने के बाद, बॉडी पार्ट से आने के बाद हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट, फिर हार्ट में आया, हार्ट से अब फिर बॉडी पार्ट में आया, तो उस ब्लड को हार्ट के दो चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. दैट्स ऑल. अब हमें जो नोट डाउन करना है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में, वो आप देख लें.
इट इंक्लूड्स, देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या लिखना है, इट इंक्लूड्स पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी, देन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट बाय पल्मोनरी वे. मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट से लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आना, उसके बाद वही ब्लड लंग्स से, मतलब वही क्या वो ब्लड वहाँ जो प्यूरिफाइड हो गया, तो प्यूरिफाइड ब्लड जो है लंग्स से फिर वापस हार्ट में आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू. तो ये हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन. फिर आपको देखना है सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड सप्लाई ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू, मतलब बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में आता है बाय द हेल्प ऑफ वेना कैवा. उसके बाद जब वो ब्लड प्यूरिफाइड होने के बाद मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट से वापस बॉडी टिश्यू में आता है सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू. तो ये दो, तो यही दोनों आपको नोट डाउन करना है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में. अब हमें देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन के बारे में. तो डबल सर्कुलेशन का महत्व क्या होता है, तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि प्योर और इम्प्योर, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती है या नहीं होती है. और ये प्योर और इम्प्योर ब्लड का सेपरेशन इसेंशियल होता है क्योंकि जो मैमल्स और ब्लड होते हैं, मैमल्स और बर्ड्स होती हैं और ह्यूमन बींग, हम लोग मैमल्स में आते हैं, तो हम लोगों में अगर ब्लड की मिक्सिंग होगी तो जो हम लोग का जो कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो मेनटेन, जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो मेनटेन नहीं हो पाएगा. और ह्यूमन्स मैमल्स और बर्ड्स जो है ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं, इसीलिए इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं. और कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो अगर मिक्सिंग होएगी तो फिर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी. प्योर और इम्प्योर की मिक्सिंग होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, इसीलिए जो है ये डबल सर्कुलेशन इसेंशियल होता है. देख लें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट विच इज इसेंशियल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो कि जरूरी है मतलब कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इन मैमल्स और बर्ड्स में, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि हम लोग या मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो ब्लड की मिक्सिंग को टॉलरेट नहीं कर सकते. मिक्सिंग हो जाएगी तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो फुलफिल नहीं हो पाएगी. और हमें सिंगल सर्कुलेशन सोचना है कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है. तो द एनिमल्स लाइक फिशेज हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, फिशेज में दो चैम्बर का हार्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल. इन फिशेज द ब्लड विच इज रिसीव बाय द हार्ट, मतलब वो ब्लड जो हार्ट ने बॉडी पार्ट से रिसीव किया है इज डायरेक्टली पम्प्ड टू द गिल्स. वो ब्लड जो है डायरेक्टली गिल्स में पम्प होता है और गिल्स में ब्लड सप्लाई भी होती है, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है. और गिल्स आपको पता है कि गिल्स वाटर के कॉन्टैक्ट में होती है, और फिशेज जो होती हैं वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को गिल्स की हेल्प से रिसीव करती हैं. तो जैसे ही ब्लड हार्ट से जो है गिल्स में पंप होता है वहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन होता है, और फ्रॉम वेयर दिस प्यूरिफाइड ब्लड इज सेंट टू द बॉडी पार्ट, और वहीं से ये ब्लड सीधे बॉडी पार्ट में प्यूरिफाइड ब्लड चला जाता है, इसी को सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं. अब हमें देखना है डबल सर्कुलेशन इन द एम्फीबियन रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स. हमें एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में समझना है. तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो है ये इनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये भी डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये इसको आप कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं कह सकते हो क्योंकि इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऊपर की ओर दो ऑरिकल होते हैं, और जैसे ये इस तरह से पार्टीशन होता है, ये ऑरिकल नीचे वेंट्रिकल एक सिंगल चैम्बर है, ये आर ए हो गया, ये आर बी हो गया, सॉरी एल ए हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि राइट ऑरिकल जो है वो बॉडी लंग से, सॉरी कहना बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है, और लेफ्ट ऑरिकल जो होता है वो लंग से प्योर ब्लड रिसीव करता है. तो ऑरिकल्स में तो प्योर और इम्प्योर का सेपरेशन होता है, लेकिन वेंट्रिकल में सेपरेशन नहीं होता है. यहाँ पर मतलब ऑरिकल से भी, मतलब जैसे आता है ये राइट ऑरिकल है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आएगा और लेफ्ट ऑरिकल से इसमें आ जाएगा प्योर ब्लड आ जाएगा ऑटोम्यून ब्लड. तो यहाँ पर जो है
वेंट्रिकल में प्योर और इम्प्योर की मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए आप उसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं कह सकते। हालांकि सर्किट दो है इसलिए आप उसको डबल सर्कुलेशन कह सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, राइट ऑर्गन रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से राइट ऑर्गन रिसीव करता है और जो है और लेफ्ट ऑर्गन रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लेफ्ट ऑर्गन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ओटो मिक्स ब्लड रिसीव करता है और ये रिसीव करता है CO2 मिक्स ब्लड। बट इन द वेंट्रिकल देयर इज सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप वेंट्रिकल में देख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है ऐसा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि दे कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिकॉज दे डू नॉट नीड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि वे मतलब मिक्सिंग ऑफ ब्लड को टॉलरेट कर पाते हैं, जबकि मैमल्स ऑफ ब्लड मिक्सिंग ऑफ ब्लड को टॉलरेट या बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि मैमल्स ऑफ ब्लड को कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता होती है और जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर मतलब बदल लेते हैं या चेंज कर लेते हैं, तो इनमें वो उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना मैमल्स और बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स में होती है। इसीलिए ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड को टॉलरेट कर लेते हैं, इसीलिए इनमें ब्लड मिक्स भी हो जाता है वेंट्रिकल्स में। तो इसको आप डबल सर्कुलेशन में पढ़ते तो है लेकिन ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं है। अब हमें ब्लड प्रेशर समझना है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड द्वारा आर्टरी की वॉल पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। दो तरह का होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। अब समझना है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकल सिस्टोल में होते हैं तो उस टाइम ब्लड जितना प्रेशर मतलब आर्टरीज की वॉल पे लगाता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 140 mmHg होता है। तो अब हमें समझना है कि डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। इट इज प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल के डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के समय जो प्रेशर आर्टरीज की वॉल पे लगता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और वो होता है 80 से 100 mmHg के बीच में होता है। इसलिए हम नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर है वो मतलब 80 से 120 मानते हैं या 100 से 140 मानते हैं। दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। अब हमें बीपी एपरेटस देख रहा है। तो बीपी एपरेटस का नेम क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये तो आपको नाम पता चल गया। अब हार्ट बीट क्या होता है, इट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर। मतलब हार्ट चैम्बर का मतलब लयबद्ध तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना ही हार्ट बीट होता है। ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट। ह्यूमन का हार्ट जो होता है 72 बार एक मिनट में बीट करता है। इट इंक्लूड टू फेजेस सिस्टोल एंड डायस्टोल। इसमें दो फेजेस होती है, सिस्टोल और डायस्टोल होता है। सिस्टोल में क्या होता है, ड्यूरिंग सिस्टोल वेंट्रिकुलर ब्लड इज पम्प्ड इन सिस्टेमिक एओर्टा एंड पल्मोनरी एओर्टा। मतलब सिस्टोल मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल का सिस्टेमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा में, बिकॉज बोथ द चैम्बर्स आर कॉन्ट्रैक्टेड या बोथ द वेंट्रिकल आर कॉन्ट्रैक्टेड साइमल्टेनियसली। दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए सिस्टेमिक एओर्टा पल्मोनरी एओर्टा में ब्लड पंप हो जाता है। अब हमें डायस्टोल देखना है। तो इट इज द रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स साइमल्टेनियसली। मतलब इसमें क्या होता है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स फेज में आते हैं, इसको डायस्टोल कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।